चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छात्रों, आज हम आप लोग के सामने लेकर आया हूँ सांख्यिकी 14.3 का लास्ट वीडियो है ये। देखिए, जैसा कि हम आप लोग के पीछे पढ़ा चुके थे, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, तो 14.1 में माध्य, 14.2 में पढ़ा चुके हैं बहुलक और 14.3 में पढ़ा चुके हैं माध्यक। तो देखिए, माध्यक का सारा फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं और सारा उसमें टाइप्स भी बता चुके हैं। तीन टाइप्स लिए हैं, तीन टाइप्स पर क्वेश्चन भी लेकर के बनाए। लेकिन देखिए, बताए थे कि तीसरा टाइप्स में एक क्वेश्चन और छूट गया जो एक फॉर्मूला पर रिलेटेड है। तो देखिए, ये फॉर्मूला का यूज कर भी सकते हैं और ये फॉर्मूला का यूज नहीं भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम देखिए क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन से पहले आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा देखिए नोट्स पॉइंट लिखाएं। क्या लिखाए हैं, माध्य, माध्यक एवं बहुलक में संबंध। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ये VVI है, बहुत देखिए लिख दिए VVI, मतलब समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है टेंथ में। देखिए क्या है संबंध तीनों में, जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों पढ़ चुके हैं, तो तीनों में रिलेशन क्या है। तो देखिए, रिलेशन है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये रिलेशन आपको याद रखना। अब ये रिलेशन को कभी उलट पलट के लिख सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जैसे ये माइनस 2 माध्य है, इसको इधर भेज देगा तब बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा कि नहीं, या कभी 3 माध्य इधर प्लस में इधर भेज देगा माइनस में, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ ये याद रखिए। अब इसको आगे पीछे घुमा करिए, इसको कभी इधर कीजिए, कभी इसको इधर कीजिए, समझे। तो आपको ऑब्जेक्टिव वैसा ऑप्शन में रहता है, जैसे 4 ऑप्शन रहता है ना, तो उसमें घुमा के दिया हुआ रह सकता, तो आप मेन इसको याद रखिए, इसी से मिला लीजिएगा घुमा के। अब देखिए, ये याद रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बता रहे हैं कि बहुत VVI है। अब देखिए क्वेश्चन लिए हैं, देखिए क्या करा है, निम्नलिखित वितरण का माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, दिया हुआ था आंकड़ा, इसका क्या निकालना था, या तो माध्य निकालना था, या तो माध्यक निकालना था, या बहुलक, तीनों में से किसी एक को निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों निकालना है ना। तो देखिए, तीनों के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए, माध्य बराबर क्या पढ़ चुके, देखिए माध्य बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो देखिए माध्य को क्या बताए थे कि संकेत में क्या लिखते हैं, एक्स वाय, याद है। तो देखिए, माध बराबर क्या पढ़ चुके हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा ए, याद है ना कि भूल गए हैं सर। देखिए अगला हम क्या बताएं, माध्यक, माध्यक को क्या बताए थे, एम से, और एम बराबर फॉर्मूला क्या बता चुके हैं, तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। उसके बाद देखिए बहुलक है, तो बहुलक को किस से डिनोट करते हैं, एम ओ से, और एम ओ बराबर फॉर्मूला क्या बता चुके हैं, तो एल प्लस एफ शून माइनस एफ माइनस वन बटा 2 एफ शून माइनस एफ माइनस वन और माइनस एफ वन बताए हैं, और गुने क्या बताए हैं, एच। ये देखिए तीनों फॉर्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं, ये माध्य है और ये माध्यक है और ये बहुलक है, तीनों का फॉर्मूला हम बताए, तीनों का देखिए जिसमें यूज आ रहा है, जैसे सिग्मा क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है, एन क्या है, एल क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एफ शून एफ माइनस वन, सब कुछ हम बता चुके हैं आपको। तो इसको देखिए, अगर ये सब वीडियो पीछे नहीं देखे हैं तो सांख्यिकी का देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, सांख्यिकी का 10-11 को वीडियो होगा, वो सब शुरू से आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यह इस क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले देखेंगे कि फॉर्मूला हमको क्या चाहिए। तो देखिए, फॉर्मूला तीनों का हम आपको सामने लिख दिए हैं। अब देखिए तीनों में क्या क्या चाहिए, तो एफ चाहिए और एक्स चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एफ दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए, तो अक्षरों की संख्या, ये क्या दिया है हमारा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, देखिए 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 है। यहाँ देखिए कुल नामों की संख्या, तो 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब यहाँ देखेंगे कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता, तो इसके लिए भी हम पहचानने के लिए हम आपको पीछे बता चुके हैं। देखिए 6 से 30 बढ़ा है, 30 से 40 बढ़ा, 40 से 16 घट गया, फिर 16 से 4 घट गया
है ना। तो देख रहे हैं क्या, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा। तो बताए थे कि जब भी ऐसा रहे तो इसको क्या समझेंगे, बारंबारता। और संचयी बारंबारता कब समझेंगे, या तो पूरा बढ़ते जाता या तो पूरा घटते जाता। समझे बातों को। अब देखिए तो हमको यहां से कंफर्म हो गया कि यह क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ। अब तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या बताए थे, वर्ग चिन्ह या चरमान। चरमान निकालने के लिए क्या बताए थे, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके दूसरे भागा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। एक्स को क्या बताए थे, चरमान बताए थे, याद है। तो चरमान को क्या लिखेंगे, एक्स। ये हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, एफ तो दिया हुआ और सिग्मा मतलब कुल योग, तो इधर तो कुल योग निकालेंगे बाबू। यहां से एक टर्म और लिख देते हैं, कुल योग। देखिए देखिए जो कह रहा है एकदम वही लिखेंगे। आगे देखिए, इसका माध्य के लिए अब कंप्लीट हो गया। हमको चाहिए था क्या, वर्ग अंतराल चाहिए था, बारंबारता चाहिए था और एक्स चरमान चाहिए था। चरमान मिल गया। और एक क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ और एक्स का गुना। तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक टेबल और बनेगा। देखिए एफ दिया हुआ, इसी को ना एफ कहेंगे, और ये एक्स हो गया। एक्स निकालेंगे और यहां से एफ एक्स निकालेंगे। जब एफ और एक्स पता हो जाएगा तो दोनों का गुना करके। आगे देखिए इसमें एल क्या है, तो एल बताए हैं निम्न सीमा। तो निम्न सीमा तो पता है, क्योंकि हम बहुलक वर्ग निकालेंगे तो पता चल जाएगा। एन क्या है, तो एन बताए थे बारंबारता का कुल योग। यहां से कुल योग लिख लिए, यहां बारंबारता है, इसका कुल योग निकाल लेंगे। यहां से देखिए सी संचयी बारंबारता। अब देखिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो एक टर्म और क्या बनेगा, संचयी बारंबारता। क्या बनेगा, संचयी बारंबारता। अब देखिए एक टेबल और बन गया। उसके बाद क्या है, एच। एच तो वर्ग अंतराल का ऊंचाई होता है, तो सामने देख करके पता चल रहा। इसमें देखिए एफ शून्य, एफ माइनस वन, ये सब बारंबारता से ही रिलेटेड है। सिर्फ हम आपको समझाए थे कि कौन वाला लेना है, कहां पर, पीछे वाला वर्ग बहुलक वर्ग का या बाद वाला या उसी वाला। तो देखिए हमको यहां से तीन को निकालना पड़ेगा बाबू। तो ये तीनों को निकाल लेंगे सबसे पहले। ये बात आपको समझ में आया, यही बात आपको समझना था। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या बताएं कि फॉर्मूला को माइंड में लाइए, उसके बाद देखिए कि क्या क्या चाहिए। तो जो चाहिए वही तो लिखे हैं, अब इसको निकाल लीजिए। अब इसको निकालने का तरीका सब बताए हैं तो निकाल लेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आपको एकदम आसान लग रहा होगा माध्य माध्यक बहुलक, क्यों, क्योंकि सारा हम पढ़ा चुके हैं पीछे। जो डायरेक्ट देख रहे हैं बाबू वो क्या कीजिएगा, पीछे जितना ही पढ़ा चुके हैं उसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां से देखते रहिएगा, सो नहीं जाइएगा वीडियो चालू करके। देखिए अब यहां से देखिए चार मान कैसे निकालेंगे बाबू, तो बताए थे कि वन और चार जोड़ेंगे तो कितना होगा, फाइव। फाइव में टू से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2.5। यहां देखिए सात और चार कितना होगा, ग्यारह। ग्यारह में दो से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ग्यारह बटा दो, तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। होगा ना, ध्यान से क्या हो जाएगा, 5.5। आप देखिए यहां 2.5 से 5.5 कितना बढ़ा, तो देखिए तो तीन बढ़ा, कितना बढ़ा, तीन। अब ये देखिए क्या करेंगे, बार बार सबको जोड़ करके भागा देंगे, नहीं ना। ये चार मान निकालने के लिए हम बताए थे क्या कि पहला निकाल लीजिए दोनों के जोड़ करके, दूसरे भागा दे करके, और अगला क्या करना है, तो जितना इसका लंबाई रहेगा उतना जोड़ते जाना। देखिए तो इसका वन से फोर कितना लंबाई है, तीन लंबाई है ना, चार लंबाई बताए थे निकालने के लिए, चार माइनस वन बराबर तीन। देखिए लंबाई निकालने के लिए हम क्या बताए थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो वही होगा चार माइनस वन, कितना हो जाएगा, थ्री। उसके बाद क्या बताए थे कि पहला निकालने के बाद जितना आएगा लंबाई वो सबको जोड़ते जाना, तो 2.5 में तीन जोड़ दिए। अब इसमें तीन जोड़ देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, पांच में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 0.5। फिर इसमें तीन जोड़िए तो 11.5। फिर इसमें तीन जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 14.5। फिर इसमें तीन जोड़िए 17.5। होगा ना। देखिए
आप दोनों जोड़ करके दूसरे भागा भी दीजिएगा तो यही आएगा, लेकिन क्या करेंगे बार बार भागा देना पड़ेगा ना, इससे अच्छा है कि पहला निकाल दीजिए और जितना लंबाई है उतना जोड़ते जाइए। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं आपको बहुमाध्य में, आप देखिएगा यहाँ भी समझा चुके हैं। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स गुना, तो एफ और एक्स को गुना कर दीजिए वो, तो गुना कीजिए तो देखिए 2.5 में 6 से गुना करेंगे 15 आएगा, इसको देखिए गुना कीजिए, गुनाता है ना, गुना कीजिए, अब इसको देखिए गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो यहाँ से गुना कीजिए तो कितना आएगा 162, फिर इसको देखिए गुना कीजिएगा कितना आएगा 340, इसको देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 184, इसको गुना कीजिएगा 58 और इसको गुना कीजिए कितना आएगा 70। देखिए अब सब गुना कीजिएगा एफ और एक्स, तो क्या करेंगे एफ और एक्स गुना करेंगे, यहाँ ये दोनों गुना करेंगे, यहाँ ये दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा, यहाँ ये दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा, उसी प्रकार आप करते जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, समझे बात को। उसके बाद देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या होता है कि जो बारंबारता है उसका पहला टर्म लिख देंगे बाबू, उसके बाद क्या करेंगे अगला टर्म निकालने के लिए या अगला टर्म जोड़ देंगे इसमें, तो 306 कितना हो जाएगा 36, फिर बताए थे कि अगला टर्म निकालने के लिए फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो 40 और 36 कितना हो जाएगा 76, फिर इसमें देखिए 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 2 7 8 9, फिर यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92 4 96, फिर यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। ये बात समझे, संचयी बारंबारता भी निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो माध्यक का देख लीजिएगा 14.3 का वीडियो। देखिए अब संचयी बारंबारता निकल गया, हमको चाहिए कुल योग, तो किसका किसका कुल योग चाहिए था, एक बारंबारता का, तो देखिए बताए थे बारंबारता का योग निकालने के लिए जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला आएगा वही आएगा, अगर नहीं विश्वास है तो ये सबको जोड़िए आप, ये जोड़ने के बाद कितना आएगा 100 आएगा। आप यहां से नहीं समझते हैं तो हमको बारंबारता का कुल योग चाहिए, तो बारंबारता ये है ना, ये सब का कुल योग निकाल दीजिए। उसके बाद क्या आया था सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का कुल योग, तो एफ एक्स का कुल योग निकाल दीजिए, तो ये सारा टर्म को आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 832, आप जोड़िएगा, आप देखिए 832 मिल गया। आप देखिए हमको सब कुछ मिल गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला का खेल है, सब कुछ निकल गया। अब देखिए यहां से ये रफ किए इसको मिटाते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, अब देखिए यहां से तो सबसे पहले क्या चाहिए माध, यहां से निकाल देंगे इसलिए माध इक्वल टू, अब माध बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, अब सबका वैल्यू रख दीजिए बाबू, सिग्मा एफ एक्स तो देखिए तो एफ एक्स का कुल योग, सिग्मा मतलब बताए थे कुल योग, एफ एक्स का कुल योग देखिए कितना है 832 है, 832 बटा सिग्मा एफ मतलब एफ का कुल योग मतलब बारंबारता का कुल योग, तो देखिए तो बारंबारता का कुल योग कितना है 100 है, तो देखिए तो इसको भागा दीजिए तो देखिए तो नीचे 2 0 तो भागा देंगे तो क्या होगा 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, देखिए 32 के बाद पॉइंट तो कितना हो जाएगा 8.32। ये हमारा एक आंसर मिल चुका है किसका माध्य का, हमको चाहिए अब क्या माध्यक, अब माध्यक निकालने के लिए क्या बताए हैं, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बताए हैं माध्यक वर्ग बताए हैं, तो माध्यक वर्ग निकालेंगे। अब देखिए तो यहाँ से सब कुछ बन जाएगा कि नहीं, हमको यही सिर्फ समझना था टेबल, अब फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन तो ऐसा बता चुके हैं तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं। तो देखिए माध्यक वर्ग बराबर क्या बताए थे एन बटा टू से अधिक संचयी बारंबारता, देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं बाबू संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं वर्ग अंतराल। अब देखिए एन का वैल्यू कितना है बाबू 100, एन बताए थे क्या बारंबारता का कुल योग, तो बारंबारता का कुल योग कितना है तो 100/2 से अधिक, ये लिखते आएंगे टर्म अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, अब इसको भागा दीजिए बाबू कितना जाएगा 50। आप देखिए तो क्या करा 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो देखिए तो संचयी बारंबारता यही है, अब 50 से अधिक किस में जाएगा देखिए यहाँ यहाँ देखिए 6 से अधिक 7 36 से अधिक 50 से अधिक किस में है, और इसके वाला वर्ग अंतराल देखिए कितना है 7 से 10, तो क्या हो जाएगा 7 से 10 हो गया ना। आप देखिए हमको माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था एल, एल क्या बताए थे तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो देखिए तो इसमें निम्न सीमा कौन है बाबू 7 है,
उसके बाद क्या बताए थे, एफ। एफ क्या बताए थे, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कितना है, 7 से 10। 7 से 10 का बारंबारता देखिए कितना है, 40 है। उसके बाद क्या बताए थे, सी। सी क्या बताए थे, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। तो देखिए तो माध्यक वर्ग 7 से 10 है, तो 7 से 10 इसके ठीक पहले वाला वर्ग ये है 4 से 7, और इसके संचयी बारंबारता देखिए कितना है, 36 है ना। संचयी बारंबारता जो कह रहा है वो वही लिखना है, कितना हो जाएगा 36। अब क्या, अब कहिएगा कि एल क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, तो हम इस सब को लिखा चुके हैं और इतना क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए आगे क्या चाहिए, एच बाओ। तो एच को क्या कहे थे, तो माध्यक वर्ग का ऊंचाई। तो देखिए 7 से 10 कितना ऊंचाई है, 3 है, है। अब देखिए तो सब कुछ मिल गया, तो माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, माध्यक को एम से लिखते हैं, एम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एल प्लस एन बटा टू माइनस सी बटा एफ गुने एच। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, एल का वैल्यू देखिए तो कितना है, 7 है, प्लस एन बटा टू देखिए तो एन बटा टू तो 100 बटा 2 कितना आ जाएगा, 50, हम डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू। माइनस सी, सी का वैल्यू देखिए कितना है, 36 है, और बटा एफ, एफ का वैल्यू देखिए कितना है, 40 है, और गुने एच, एच का वैल्यू कितना है, 3 है, है ना। अब देखिए यहां इसको सोल्व करना है, सिर्फ देखिए तो 50 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, होगा 14 42। शॉर्ट में कर दिए हैं हम, यहाँ देखिए एक टर्म शॉर्ट किए हैं, 50 में से 36 के 14, और 14 × 3 कितना आ जाएगा, 42 होगा ना। अब देखिए यहाँ से 7 + 42 में 40 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 1.05, और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8.05, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे बात को। तो ये हमारा हो गया क्या, माध्यक निकल गया और माध निकल गया। एक हमको क्या चाहिए, बहुलक चाहिए ना। तो देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या कीजिए, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाने के बाद हम बहुलक बनाते हैं। अब देखिए सारा चीज निकाल चुके हैं, अब देखिए इससे हमें एक आगे निष्कर्ष एक बताएंगे, क्या निष्कर्ष बताएंगे कि माध्य और माध्यक और बहुलक तीनों निकालिएगा तो लगभग आपको आसपास आएगा। देखिए सब 8 पॉइंट आ रहा, ये भी 8 पॉइंट पूछाया, ये भी 8 पॉइंट पूछाया, बहुलक निकालिएगा तो वो भी 8 पॉइंट कुछ ही आएगा। तो देखिए इससे हमको क्या पता चलता, इससे हमको पता चलता है कि माध्य माध्यक और बहुलक तीनों लगभग बराबर आंसर देता, क्यों, क्योंकि तीनों है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, और हम बताए थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता, कौन कौन, माध्य माध्यक और बहुलक, और तीनों माप में बताए थे सबसे बेस्ट माप कौन होता है, बहुलक, क्योंकि ये सटीक आंसर देता है, जितना है टेबल आंकड़ा इसका सटीक एग्जाम्पल कौन देता है, बहुलक देता। तो ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन है, बहुलक, क्योंकि देखिए तीनों है, तीनों लगभग वही आंसर देता, तीनों का सोल्व करने का सिर्फ तरीका अलग अलग है, समझे। तो इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये रहने देंगे टेबल, ये सिर्फ बनाए हो वो मिटाते हैं और बहुलक बनाते हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। देखिए देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने हम क्या बनाते हैं, बहुलक। तो बहुलक के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे, बहुलक वर्ग निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग। अब देखिए बहुलक वर्ग बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बताए थे, क्या बताए थे, सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या, वर्ग अंतराल। तो देखिए तो बाबू सबसे अधिक बारंबारता, देखिए तो बारंबारता यही ना है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है, देखिए 40 है, इसके वाला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 7 से 10। अब देखिए माध्यक वर्ग भी निकाले थे, क्या आया था, 7 से 10 ही आया था ना,
देखिए दोस्त, इससे भी पता चल रहा है कि 7 से 10 और भी 7 से 10। आप देखिए हमको निकालना क्या, एल एल क्या होगा तो निम्न सीमा, निम्न सीमा कौन होगा, 7 होगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ नॉट, एफ नॉट क्या बताएं तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग देखिए 7 से 10, इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा 40। उसके बाद क्या बताए थे, एफ माइनस वन, तो देखिए तो माइनस वन क्या बताए थे, जीरो है यहाँ, अब यहाँ माइनस वन हो गया, मतलब जीरो से पीछे गया, तो यहाँ देखिए तो इसके पीछे वाला, तो इसके पीछे वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एफ वन, तो एफ वन क्या बताए थे, तो बहुलक वर्ग की बाद वाला बारंबारता, तो देखिए तो बहुलक वर्ग क्या है 7 से 10, 7 से 10 का बाद वाला कितना हो जाएगा 16। ऐसे भी याद रखने के लिए बताए थे कि देखिए जीरो वाला निकल गया, उसके बाद माइनस वन था पीछे गया, अब यहाँ देखिए वन है तो मतलब आगे गया जीरो से, तो आगे वाला भी हो जाएगा, समझे। उसके बाद क्या बताए थे, एच, एच बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए तो लंबाई कितना हो जाएगा 3। देखिए अब सब कुछ हमको मिल गया, अब सब कुछ मिल गया तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, तो बहुलक बराबर निकाल देंगे यहां से, इसीलिए बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बहु एल प्लस एफ शून माइनस एफ माइनस वन बटा टू एफ शून माइनस एफ माइनस वन एफ वन गुने एच, यही बताए हैं, याद है। अब देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए, एल का वैल्यू देखिए कितना आया 7 प्लस एफ शून, एफ शून का वैल्यू कितना आया 40 माइनस एफ माइनस वन का वैल्यू कितना आया 30 बटा 2 गुने एफ शून, तो एफ शून का वैल्यू देखिए कितना है 40, तो 40 हो जाएगा, माइनस एफ माइनस वन देखिए कितना है 30 है, माइनस एफ वन, तो एफ वन का वैल्यू देखिए कितना है 16 होगा ना। आगे देखिए गुने एच, एच का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अब देखिए तो यहां से क्या करना है हमको, सिर्फ इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 प्लस, यहां से देखिए 40 में से 30 जाएगा 10 बटा, यहां देखिए तो 40 दूनी 80 माइनस, यहां देखिए 30 और 16 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 16 46, तो माइनस 46, अब गुने क्या होगा 3 होगा कि नहीं। अब देखिए इसको आगे सोल्व कीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा यहां से 7 प्लस, यहां देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 10 दिया को 30, यहां देखिए घटाइए तो 80 में से 46 जाएगा बाबू, तो कितना आएगा देखिए तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहां बच जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा। अब देखिए इसको भागा दीजिए, 30 में 34 से भागा दीजिए क्या आएगा 0.88, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7.88, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे बात को। अब देखिए हाँ यहां से देखिए तो बहुलक निकल गया, अब पीछे माध्य और माध्यक भी निकाल चुके हैं, अब देखिए यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि माध्य माध्यक और बहुलक तीनों का अलग अलग फॉर्मूला लगा करके बनाए बनाए ने दूसरा तरीका इसको क्या बना सकते थे, जैसे पहले माध्य निकाल चुके और अगला माध्य निकाल चुके, माध्यक निकाल चुके, अब यहां से बहुलक निकालना था तो बहुलक बराबर ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, थ्री माध्यक माइनस टू माध्य, अब माध्यक और माध्य निकाले थे उसका वैल्यू रख देते तो बहुलक निकल जाता, तो उसका भी आंसर इतना ही आता, समझे। आप निकाल करके देखिएगा। अब देखिए एक तरीका और क्या बताते हैं कि जितना भी देखिए आंसर आ रहा सब देखिए 7 पॉइंट या 8 पॉइंट पूछा रहा, मतलब दोनों आसपास, देखिए ये 7.88 आया, एक 8.05 आया था, मतलब दोनों आसपास बहुत करीब है ना। तो यहां से आप एक दिमाग और लगा सकते हैं कि अगर आपको आंसर सही है या नहीं तो ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए माध्यक वर्ग कितना आया था 7 से 10, बहुलक वर्ग कितना आया था 7 से 10, ये वर्ग क्या संकेत करता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर इसी के बीच में होगा, 7 से 10 के बीच में, तो देखिए तो एक आंसर आया 7.88, देखिए तो 7 से 10 के बीच में होगा, एक आया था 8.05, वो भी देखिए 7 से 10 के बीच में है, तो देख रहे हैं कि ये हमारा बना हुआ सही है। अगर आपको 7 से पहले आता है 6 पॉइंट पूछा था या 10 पॉइंट पूछा था तो आप समझिएगा कि बनाया हुआ गलत है, समझे बात को। अब देखिए इसी के साथ आपका सांख्यिकी समाप्त हुआ, सांख्यिकी समाप्त नहीं हुआ, सांख्यिकी में एक लेसन और है 14.4, लेकिन 14.4 को हम आप लोग को
अभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राफ पढ़ना, उसमें ग्राफ का कॉपी लेना पड़ेगा आपको, वो हम आपको पीछे पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको क्या करते हैं, अब आपको शुरू वाला चैप्टर पढ़ाते हैं। पहला रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, क्योंकि बहुत सा का कमेंट आ रहा था कि सर वास्तविक संख्या पढ़ाइए। अब वास्तविक संख्या हम इसलिए पहले नहीं पढ़ाए थे क्योंकि वास्तविक संख्या सबका लगभग पढ़ा हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से हम चालू किए थे बीच में से। तो बीच में से अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और समांतर श्रेणी, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।